हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। सो अभी का वीडियो भी वही रैंडमली होने वाला है। शुरुआत हॉस्टल रूम से होने वाला है। तो मैंने मेरा रूम शिफ्ट करवाया उधर से। मैं पहले 16 नंबर पे रह रहा था, अभी 5 नंबर को आया। तो वैसे भी ये रूम भी सेम टाइप का है। ये देखो, मैं एक रूम टूर दे देता हूँ, 360 व्यू। तो बस नॉर्मल बेसिक का रूम है, बेसिस का रूम है। तो अभी क्या हुआ ना, अक्षित का मेरे पास कॉल आया। वो बोल रहा है कि चल भाई, अभी थोड़ा हॉस्टल फूड का भी वीडियो बनाते हैं। तो मैंने बोला भाई ठीक है, चलो हॉस्टल फूड का भी वीडियो बना लेते हैं कि कैसा कैसा फूड हमको इधर मिलता है, आप लोग को भी हम दिखा देंगे। तो वो अभी तक आया नहीं, बोला है 10 मिनट में आएगा। तो मैंने सोचा चलो एक रूम टूर मैं दे देता हूँ। तो बेसिक रूम है, तो चलिए मैं आपको एक रूम टूर दे। तो ये बहुत कॉमन रूम है, ट्रिपल बेड है, 3 बेड है। तो ये मेरा वाला बेड है। तो इधर बहुत ठंड है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं ना, एक ब्लैंकेट बिछा है उसके अंदर। ये देखो, ये बेडशीट भी है, उसके ऊपर रजाई है। और ये बेड खाली है, वो बंदा आया नहीं, तो मेरा ही सामान पड़ा है। ये उसका बेड है। ये 3 टेबल है आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, और ये मेरा टेबल है। तो लैपटॉप में मैं कल पढ़ रहा था, तो वही सब सेटअप करके रखा हूँ कि मैं सो गया। तो भाई ये तो भाई, इसके बारे में और क्या ही बोलूँ, कुछ बोलने का भी नहीं है। तो ये मेरा स्विच वगैरह सब रखा हुआ है। ये मिरर मिल जाएगा आपको, बहुत बेस्ट मिरर, मतलब साफ सुथरा है। और ये मेरा ही सामान है सब। फिर क्या, बाथरूम आपको मिलेगा इस तरह का, ठीक ठाक सा बाथरूम है। ये है बाथरूम, और इस तरह का आपको रूम मिलेगा। पता नहीं अक्सर अभी तक आया नहीं, खाने का भी टाइम हो रहा है। ये मेरा बेड है। और आपको क्या, एक बालकनी मिलेगा कपड़े वगैरह सुखाने के लिए। तो मेरे कपड़े सब सूखे हैं। यही है नन्हा मुन्ना सा प्यारा सा हॉस्टल हमारा। अच्छा तो लग रहा है, बस ये देख लो, यही है हमारा हॉस्टल। तो अभी हम फिलहाल वेट करते हैं अक्षित को आने के लिए, फिर हम जाएंगे क्या खाने के लिए। वो बंदा अभी तक नहीं आया है, मैं क्या ही बोलूँ उसके बारे में। लेट ही चलता है उसका गाड़ी, हमेशा लेट चलता है, पता नहीं कब सुपर फास्ट बनेगा। तो ये सब मेरा ही ड्रेस वगैरह रखा है। मेरा कपबोर्ड अगर आप देखोगे तो आप हंसोगे, बोलोगे क्या है भाई, ये हो क्या रहा है। तो गाइस ये मेरा कपबोर्ड है, जो कि आप देखो मतलब फैला हुआ सा है, फैला फैला सा हुआ है। तो मम्मी आ रही है 2 दिन के अंदर, तो वही सब ठीक ठाक कर देगी। ये भी मेरा बैग है, 1 2, ये भी मेरा बैग है। और इधर देखो, ये भी मेरा बैग है। तो कल मैं पढ़ाई कर रहा था बेसिकली। तो बस इतना ही है मेरा रूम टूर। अभी फिर आपको मिलते हैं जब अक्षित आता है। ये बंदा हमेशा ही लेट आता है, लेकिन अभी इसका फर्स्ट हो रहा है। साले का कॉलेज है कब है तेरा, 1 बजे ना? 2 बजे? मैंने सोचा इसका कॉलेज 1 बजे। ये देखो भाई, ये ग्राफिकर का भाई, सॉरी, ये देखो ये ग्राफिकर का नन्ना मुन्ना क्या है बे, जिम है, जिम। ये वर्कआउट करता है, मतलब ये वर्कआउट करता है। ये देखिए अच्छा सा है, ये स्टोर रूम, ये 56 इंच का टीवी, बट कभी चलता नहीं है, शो के लिए लगाए रखा है बट कभी चलता नहीं है। ये किसका, ये VIP लोगों का मेस है, VIP लोगों का। किसका है भाई? भगत सिंह का मेस है। लेकिन खाना तो सेम ही मिलता है ना। ये हमारा आ गया, क्या आ गया, मैस आ गया। तो चलो खाना लेते हैं, फिर वीडियो बनाते हैं। तो भाई लोग खाना देखो, चावल है, कढ़ी पकौड़ा है। ये क्या, इसको क्या बोलते हैं भाई हिंदी में, सोया बोलते हैं ना, सोया बड़ी। ये सोया बड़ी है, ये खीरा है, रोटी भी है ऑप्शनल में। भाई ने देखो पकौड़ा नहीं लाया है, टेस्ट करके बता कैसा है। ये सब्जी बेस्ट है ना, हमेशा बेस्ट ही रहती है। तो भाई लोग ये सब्जी जो होता है ना, हमेशा ही बेस्ट ही रहता है। तो चलो हम भी टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं। चलो हम भी अभी टेस्ट करते हैं खाना कैसा है। पहले तो ये जो है कढ़ी के साथ चावल टेस्ट करेंगे। ये देखो बेस्ट,
भाई हॉस्टल का खाना है और कैसा मिलेगा, अभी इसका ट्राई करते हैं। ये भाई ये जो है ना सोया बड़ी ये बेस्ट है, लेकिन ये करी जो है ना ये मस्त है। क्या ही बात है, हॉस्टल का फूड है ना, तो रिव्यू नहीं देंगे, पेट पूजा करेंगे। और भाई खाना कैसा है ग्राफिक वगैरह का? क्या टट्टी खाना है? और आप भी बोल दो, घर की याद तो आती है खाने के बाद। खाना बढ़िया। ये जो है सीआर है, सीआर का मतलब क्लास रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन देखो अगर सीआर इस तरह का लेदर जैकेट, डेनिम जीन्स, ब्लैक टी शर्ट पहन कर आएगा तो क्लास को क्या घंटा संभालेगा भाई, क्या ही बोले। और सीआर को भी, सीआर मतलब एक ही काम के लिए जाता है कॉलेज, वो मैं रिवील नहीं करूंगा, बाद में बोलूंगा। सीआर का काम है गवर्नमेंट से करता। जोकर का काम है बस। बस चलो, ये उनका क्लासमेट है, उन्हीं को ही पूछते हैं अभी ये सीआर क्या क्या काम करता है। और भाई ये सीआर का क्या काम है? सर डॉक्यूमेंट से दस उधर करना, अटेंडेंस लगाना और सबको मैसेज ट्रांसफर करना। अच्छा, एक तरह से पोस्टमैन है ये। एक बोले तो ये पोस्टमैन है भाई। ये देखो ये भैया कड़ी लाए हैं, जो सबसे मतलब क्या ही बोलूं इस कड़ी को। ये है हमारा पूरा का पूरा मैस, सब लोग खाना खाते हैं, लेकिन खाने के बारे में और क्या ही बोले भाई। 1 लाख लेते हैं, 1 लाख खाना मतलब क्वालिटी नहीं, सीआर भाई का खाना दे। हाँ सीआर को स्पेशल मिलता है ना भाई। खाने के साथ चार गालियां। अभी सीआर जा रहे हैं धोने के लिए। मेन मोटिव सीआर का मतलब बोल नहीं पाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा अपना पब्लिकली बोलने में, लेकिन प्राइवेटली हम अभी बात करते हैं। बस इतना ही था वीडियो, फिर रात को बनाएंगे, फिर मिलते हैं और एक ब्लॉग में। तक अलविदा।